इंडियन पॉलिटिशियन यानी कि भारतीय नेता। जो लोग देश चलाते हैं, कभी आपने सोचा है वो लोग कौन सी कार्स चलाते हैं? अगर नहीं सोचा तो इस वीडियो में यही जानेंगे, टॉप 10 इंडियन पॉलिटिशियन एंड देयर एक्सपेंसिव कार्स। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं अमित शाह। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और आज की तारीख में ये भारत के यूनियन होम मिनिस्टर भी हैं। इनके पास सबसे एक्सपेंसिव कार है टोयोटा लैंड क्रूजर, जिसकी कॉस्ट है 96.30 लाख रुपीज़। नंबर 9 पर आते हैं राम कदम। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं। इनके पास सबसे एक्सपेंसिव कार है जगुआर XJL, जिसकी आज की तारीख में कॉस्ट है 1.11 करोड़ रुपीज़। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आते पवन कल्याण। वैसे तो ये इंडियन एक्टर थे, लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले ये पॉलिटिशियन बने हैं। ये जनसेना पार्टी के लिए काम करते हैं, जो अभी बीजेपी के साथ हाथ मिला चुकी है। इनके पास भी एक मर्सिडीज़ की जी वैगन थी, जिसकी कॉस्ट थी 1.62 करोड़ रुपीज़, और उसको अभी इन्होंने कुछ ही टाइम पहले बेचा है। और आज की तारीख में ये जीप रैंगलर और BMW 520D भी यूज़ करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं नरेंद्र मेहता। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र से काम करते हैं। इन्होंने इनकी वाइफ को बर्थडे पर एक लैम्बोर्गिनी हरेकन गिफ्ट की थी, जिसकी कॉस्ट है 3.22 करोड़ रुपीज़। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं मुलायम सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। इनके घर में एक लैम्बोर्गिनी हरेकन ईवो स्पाइडर है, जो इनके दूसरे बेटे प्रतीक यादव यूज़ करते हैं। इस पर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी इस कार को खरीदने के बाद, लेकिन इनका जवाब था कि हमने लोन पर इस लैम्बोर्गिनी को खरीदा है। इस कार की कॉस्ट है 4 करोड़ रुपीज़। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं प्रमोद मध्वराज। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, कर्नाटका स्टेट से। इनके पास सबसे एक्सपेंसिव कार है रोल्स रॉयस गोस्ट सीरीज 2, जिसकी कॉस्ट है 5.25 करोड़ रुपीज़। नंबर 4 पर आती है सोनिया गांधी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है और आज की तारीख में एक रेंज रोवर आर्मर्ड यूज़ करती हैं, जिसकी इंडियन करेंसी में प्राइस है 6.6 करोड़ रुपीज़। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज की तारीख में ये रेंज रोवर सेंटिनल आर्मर्ड यूज़ करते हैं, जिसकी कॉस्ट है 7.2 करोड़ रुपीज़। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते चिरंजीवी। ये एक इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और आज की तारीख में इनके पास सबसे एक्सपेंसिव कार एक ओल्ड मॉडल रोल्स रॉयस फैंटम, जिसकी कॉस्ट है 8.5 करोड़ रुपीज़। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते MTB नागराज, जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे, जो अभी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इनके पास सबसे एक्सपेंसिव कार है रोल्स रॉयस फैंटम 8, जिसकी कॉस्ट है 9.5 करोड़ रुपीज़। और गाइस, आज का सवाल है, इन सब कार्स में से आपको सबसे अच्छी कार कौन सी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1700 लाइक, सो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना और फ्यूचर में इसी टाइप की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।